सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का फिर से एक नई वीडियो में। तो बहनों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को PMMVY का फॉर्म ऑनलाइन कैसे आवेदन करना है, साथ ही साथ PMMVY का फॉर्म जब आंगनवाड़ी सेविका अप्लाई कर रही हैं तो उनका फॉर्म सबमिट नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे क्या कारण हो सकती है, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। साथ ही साथ PMMVY का पासवर्ड कैसे चेंज करें इसके बारे में भी बताने वाला हूँ। जैसे कि हमारे परियोजना में 1 से 2 दिनों का समय दिया गया है, यानी कि 15 तारीख से पहले प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का जो फॉर्म है वो कम से कम 2 फॉर्म इस पोर्टल पे अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। तो क्या आप लोगों के भी क्षेत्र में, आप लोगों के भी परियोजना में PMMVY का जो फॉर्म है उसको अपलोड करने के लिए विभाग से निर्देश मिला हुआ है, इसके लिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं किस प्रकार से जो PMMVY का फॉर्म है उसको अप्लाई करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो PMMVY का ऑफिशियल पेज है इसको आप लोग ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे जो लॉगिन वाला ऑप्शन है आप लोग देख पा रहे हैं, लॉगिन वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से यूज़र ID, पासवर्ड और कैप्चा कोड भरने का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पर यूज़र ID, पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल के आप लोगों को लॉगिन कर लेना होता है। लॉगिन करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप पुराने वाले पासवर्ड से लॉगिन करके काम कर रही हैं तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले आप लोग जो ये पुराना वाला पासवर्ड है TEST, इसको आप लोग ज़रूर से चेंज कर लें, क्योंकि इसी की वजह से आप लोगों का जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो जितनी आंगनवाड़ी सेविका पुराने वाले पासवर्ड को यूज़ कर रही हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अपना नया पासवर्ड बना लें। नया पासवर्ड कैसे बनाना है यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे कि आज हमारे परियोजना की जो भी आंगनवाड़ी सेविका बहनें आई थी उनका फॉर्म सबमिट नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो उन लोगों को मैंने बताया कि आप लोगों को पासवर्ड यहां पे चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि वो लोग पहले वाले पासवर्ड से ही काम कर रही थी। ठीक है, तो यहां पे आप लोगों को क्या करना है कि अपना यूज़र ID डाल लेना है, जो आप लोगों को यूज़र ID विभाग से मिला होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर यूज़र ID डाल लिया है। उसके बाद यहाँ वेरीफाई वाले पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई वाले पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो आपने ऑफिस में दिया होगा, उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। उस OTP को डाल के और यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया है इस पे डाल के वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो नया पासवर्ड बनाने का एक ऑप्शन आ जाएगा। चलिए यहाँ पर हम पासवर्ड डाल लेते हैं। मैंने यहाँ पर OTP डाल लिया है और कैप्चा कोड डाल लिया है। उसके बाद हम वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। वैलिडेट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नया पासवर्ड बनाने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग पासवर्ड किस प्रकार से बनाएंगी, जैसे कि मान लीजिए आपका नाम अनीता है तो आप बड़ा ANITA और उसके बाद @ का यूज़ करेंगे। ठीक है, @ यूज़ करने के बाद 1, 2, 3, 4 जो नंबर आपको याद रहे वो नंबर आप लोगों को यहाँ पे डाल लेना है। फिर सेम टू सेम आपको वही पासवर्ड यहाँ पे भी फिल कर लेना है। उसके बाद अपडेट पासवर्ड पे क्लिक करके आप अपना पासवर्ड यहाँ पर ईजिली चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना यहाँ पर पासवर्ड चेंज कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड बना लिया है। पासवर्ड बनाने के बाद अपडेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो जो आपका पासवर्ड है वो यहाँ पे आसानी से चेंज हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे पासवर्ड सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। अब आप लोग यहाँ पे अपना यूज़र ID और पासवर्ड डाल के और कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके बाद आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो यहाँ पर हमने अपना यूज़र ID, पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल लिया है। अब इसके बाद हम लोग सिंपली यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से यहाँ पर वेरीफाई करने का ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि जब जब आप लोग PMMVY में लॉगिन करेंगे तो आपको अपना मोबाइल नंबर एक बार वेरीफाई कराना होगा, उसके बाद ही आप लोग यहाँ पर लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए फिर से आपके नंबर पर OTP जाएगा तो वो OTP आप लोगों को यहाँ पे डाल के वैलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे एक टाइमिंग चलेगा जो कि 15 मिनट का टाइम आप लोगों को दिया जाएगा। 15 मिनट के अंदर आप लोगों को वो OTP डाल के यहाँ पे वैलिडेट कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने OTP डाल लिया है। OTP डालने के बाद वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो अब आप लोगों का जो PMMVY का पोर्टल है उस पर आप लोग लॉगिन कर जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर ईजिली हमारा लॉगिन हो चुका है। तो लॉगिन हो जाने के बाद आपको क्या करना है, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद डाटा एंट्री पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करेंगे, जहाँ से आप फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप जिस लैंग्वेज में फॉर्म देखना चाहते हैं यहाँ पे लैंग्वेज पे क्लिक करके हिंदी इंग्लिश कर सकते हैं, चाहे जिस भाषा में आपको समझ में आए उस भाषा में आप लोग यहाँ से लैंग्वेज को सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, लाभार्थी का पंजीकरण, यानी कि लाभार्थी का पूरा डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पे भरना है। जैसे कि यहाँ पे पहले बच्चे के लिए आवेदन कर रहे हैं तो पहला बच्चा यहाँ पे
जो सर्कल है उस पर क्लिक करेंगे। अगर दूसरी बालिका के लिए करेंगे तो यहाँ पे आप लोग इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जीवित बच्चों की संख्या, यानी कि अगर पहले बच्चे के लिए कर रहे हैं, अगर वो गर्भवती के लिए कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे जीरो करेंगे, जीरो पे सिलेक्ट करेंगे। अगर उसका बच्चा हो जाता है तो आप लोग यहाँ पे वन पे सिलेक्ट करके उस फॉर्म को आगे फिलअप करेंगे। चलिए हम यहाँ पे जीरो सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आगे आपसे पूछ रहा है क्या लाभार्थी के पास आधार कार्ड है, तो हाँ यहाँ पे हाँ पे क्लिक रहेगा। उसके बाद यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे लाभार्थी का नाम लिखना है, जिस प्रकार से आधार में नाम हो वही नाम आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद आधार संख्या यहाँ पे डालेंगे। आधार संख्या जैसे ही डालेंगे तो यहाँ पे आधार को वैलिडेट किया जाएगा। उसके बाद आपको एक पॉपअप दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना है, ओके कर देना है। फिर यहाँ पे जन्म की तारीख आपको भर लेनी है, उस लाभार्थी के आधार कार्ड पे जन्म की तारीख क्या है, ठीक है। जन्म की तारीख भरने के बाद उम्र अपने आप यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल कर लेगा। उसके बाद आप लोग कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, वो लाभार्थी किस कैटेगरी से है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लाभार्थी का मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे कि ये लाभार्थी का सेल्फ यानी अपना मोबाइल नंबर है, हस्बैंड का है, मदर का है, जो भी हो आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद पात्रता प्रमाण पत्र, यानी कि उस लाभार्थी का जो आवेदन कर रहे हैं इसके लिए आप कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, यहाँ पे आप सेलेक्ट करके वो डॉक्यूमेंट को यहाँ से देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादातर महिलाएं जो है ई श्रम कार्ड को यहाँ पे फिलअप कर रही हैं। अगर लाभार्थी के पास ई श्रम कार्ड नहीं है तो आप उसको बनवा सकते हैं किसी भी साइबर कैफ़े से जाके, तो वहाँ पर आप लोग ई श्रम कार्ड को यहाँ पर आसानी से फिलअप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर 7-8 डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट उस लाभार्थी के पास होगा उस डॉक्यूमेंट को आप लोगों को यहाँ पर उसको अपलोड करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो लाभार्थी का पहचान संख्या है, वो जो आप लोग डॉक्यूमेंट देंगे उस पर पहचान संख्या होगा, उसको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा, यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन खुलेगा, जैसे कैमरे से आप लोग उसी टाइम फ़ोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं, बट कैमरे से अगर फ़ोटो खींच के अपलोड करेंगे तो 1 MB से ज़्यादा का हो जाएगा, इसलिए पहले से ही आप लोग फ़ोटो खींच के उसका साइज़ कम करके 1 MB से कम साइज़ आप लोग यहाँ पर अपलोड करेंगे, आपका यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गैलरी से भी आप लोग फोटो को अपलोड कर सकते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद MCP कार्ड विवरण, यहाँ पे RCH जो ID है वो डालना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना RCH ID के आप लोग अगर फॉर्म सबमिट कर देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोगों के पास RCH ID नहीं होगा तो आप लोग अपने ANM से बोल के RCH ID ले सकती हैं और उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं। RCH ID डालना बहुत ही मैंडेटरी है, ठीक है, इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद MCP कार्ड पे जो पंजीकरण तिथि है वो डालेंगे, लास्ट LMP डेट डालेंगे, उसके बाद प्रसव पूर्व जाँच जो की तारीख है वो डालेंगे, यानी कि इसमें जो तिथि रहेगा वही तिथि यहाँ पे भी डालना है और LMP डेट आप लोगों को यहाँ पे डाल लेनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बच्चा पैदा हुआ है, जैसे कि हम लोग अभी यहाँ पे गर्भवती के लिए भर रहे हैं तो यहाँ पे नहीं ऑटोमेटिक क्लिक रहेगा, अगर बच्चा हो जाता है तो उसके लिए आप लोगों का यहाँ पर हाँ वाला ऑप्शन जो है खुल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बच्चे का भी जन्म तारीख डालना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे का वास्तविक जन्म तिथि जो है वो यहाँ पर खुल के आ जाएगा। अगर बच्चे का जन्म हो चुका है उसके बाद आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे इस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे वर्तमान पता हो जाएगा, वर्तमान पता में आप लोगों को यहाँ पे शहरी ग्रामीण जो है देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे पता डाल देना है। सेविका अपना खुद का पता डालेंगी जहाँ से वो फॉर्म को अप्लाई कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेट डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक आप लोगों का ऑटोमेटिक फिल रहेगा, यहाँ पे आपको विलेज सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद पिन कोड डाल लेना है, बाकी नीचे आप लोगों का जो आंगनवाड़ी केंद्र का सेंटर का नाम है कोड है वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और लास्ट में यहाँ पे सबमिट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। देखिए आज क्या हुआ कि बहुत सारी आंगनबाड़ी सेविका बहनें हमारे पास आई थी, उनका जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं हो पा रहा था, सारा चीज़ फिल करके सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक जैसे ही कर रहे थे तो उनका फॉर्म सबमिट ही नहीं हो रहा था। तो मैंने उन लोगों को बताया कि आप अपना जो पासवर्ड है उसको चेंज कर लीजिए, और चूँकि आज बहुत सारी आंगनबाड़ी बहनें एक साथ फॉर्म को फिलअप कर रही थी जिसके कारण सर्वर पर काफ़ी लोड था, इसके कारण भी उनका फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं हो पा रहा था। तो इस प्रकार से आप लोग PMMVY का ऑनलाइन फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। बाकी आप लोग PMMVY से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा बहनों तक शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का नोटिफिकेशन जरूर दबा लें ताकि आंगनबाड़ी से जुड़ी खबरें आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।